सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान मेरी जान को और चैनल का लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट पाने के लिए दबाएं इस घंटी को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान मेरी जान पर। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था भूज मूवी के बारे में कि कैसे 300 महिलाओं ने इंडियन एयरफोर्स की मदद की थी रनवे रिपेयर करके। आज मैं इस वीडियो में भूज के एक और रियल हीरो रणछोड़ दास पागी के बारे में बताऊंगा, जिनका किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। रणछोड़ दास पागी का जन्म गुजरात के बनासकांठा में एक आम परिवार में हुआ था। बनासकांठा पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ गांव है। रणछोड़ दास के परिवार के लोग भेड़ बकरी और ऊंट पालकर अपना गुजारा करते थे। रणछोड़ दास भी अपने परिवार के लोगों के साथ यही काम करने लगे। रणछोड़ दास ने अपने बचपन से लेकर जवानी भेड़ बकरी और ऊंट पालने में गुजार दी। दशकों तक ऊंट पालते पालते और इधर उधर घूमते घूमते रणछोड़ दास को ऐसा हुनर आ गया था जिसने युद्ध में भारतीय सेना की बहुत मदद की। दरअसल रणछोड़ दास को 58 की उम्र में ऊँटों को पालते पालते इतना अनुभव आ गया था कि वह ऊँट के पैरों के निशान देखकर ही बता देते थे कि उस ऊँट पर कितने लोग सवार थे। रणछोड़ दास किसी इंसान के पैरों के निशान देखकर भी बता देते थे कि उनका वजन कितना होगा, उनकी उम्र कितनी होगी और वह कितना दूर चलकर गए होंगे। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के सैनिकों ने धोखे से कच्छ क्षेत्र के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में भारतीय सेना को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई जो इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो और पैरों के निशान को अच्छे से समझता हो। ऐसे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए रणछोड़ दास की मदद ली। रणछोड़ दास को भारतीय सेना में एक स्काउट के रूप में भर्ती किया गया। भारतीय सेना में शामिल होने के बाद रणछोड़ दास भारतीय सैनिकों के साथ कच्छ क्षेत्र पहुंचे और वहां मौजूद पैरों के निशान देखकर ही बता दिया कि वहां कितने पाकिस्तानी सैनिक हैं और पाकिस्तानी सैनिक कहां छिपे हैं। रणछोड़ दास ने अपने हुनर से 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की सटीक स्थिति का पता लगा लिया। भारतीय सैनिकों के लिए इतनी जानकारी काफी थी। पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने और मोर्चा फतह करने के लिए रणछोड़ दास की रेगिस्तान के रास्तों पर इतनी पकड़ थी कि उन्होंने भारतीय सेना को तय समय से 12 घंटे पहले ही मंजिल तक पहुंचा दिया। फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों पर हमला करके पूरे गांव को आजाद करा दिया। इसका श्रेय रणछोड़ दास पागी को दिया गया। रणछोड़ दास ने सिर्फ 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में ही नहीं बल्कि साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 के युद्ध में रणछोड़ दास ने न सिर्फ सेना का मार्गदर्शन किया बल्कि गोला बारूद पहुंचवाना भी पागी के काम का हिस्सा था। रणछोड़ दास के हुनर के तो तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल AK मानेकशॉ भी कायल थे। साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद मानेकशॉ जब ढाका में थे तो उन्होंने एक दिन रणछोड़ दास को खाने पर बुलाया। मानेकशॉ ने रणछोड़ दास को लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। फिर रणछोड़ दास हेलीकॉप्टर में बैठकर ढाका चले गए। ढाका में मानेकशॉ और रणछोड़ दास पागी ने साथ बैठकर खाना खाया। रणछोड़ दास पागी को उनके सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पाली नगर में तिरंगा फहराया तो सेना अध्यक्ष मानेकशॉ ने अपनी जेब से 300 रुपये नकद पुरस्कार रणछोड़ दास को दिया था। इसके अलावा रणछोड़ दास को संग्राम पदक, पुलिस पदक और ग्रीष्मकालीन सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। रणछोड़ दास पागी के सम्मान में कच्छ बनासकांठा सीमा के पास सुई गांव की BSF बॉर्डर को रणछोड़ दास बॉर्डर नाम दिया गया है। रणछोड़ दास पागी साल 2013 में 112 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रणछोड़ दास भले ही अब हमारे बीच में नहीं है
मगर उनका योगदान भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। रणछोड़ दास पागी अपनी देशभक्ति, त्याग और समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।